आंसुओं की जबान नहीं होती, हाथ है क्या? अगर आप रो सकते हो कुछ करो उसके बारे में, अगर आप नहीं कर सकते हो, आपके आंसुओं को हाथ नहीं है, तो आंसू बहने भी मत दो। फिजूल के आंसू, फिजूल के दुख दर्द आपको होता है। जब भी यीशु मसीह रोए, यीशु मसीह को दर्द हुआ, किसी का हालत देकर उन्होंने हाथ रखकर और उनको चंगाई दिया, उनको आजाद कर दिया। आप सिर्फ रो रोकर कुछ नहीं होने वाला है। यरमाया रोता था और बताता था, रोता था अपने जीवन से बताता था उनको, देखो ये तुम्हारे साथ होने वाला है, वो तुम्हारे साथ होने वाला है। क्या आपके आंसुओं को हाथ है क्या? फिर रो लो। यदि आपके आंसुओं में उतना दम नहीं है कि बाहर जाके किसी को खींचे अग्नि से, रोने का कुछ फायदा नहीं है, बचाकर रखना अपने लोगों के लिए। आपके आंसू को बचाकर रखना अपने लोगों के लिए। और यदि आपके आंसू के हाथ है तो आप शर्मिंदगी महसूस नहीं करोगे, अब धैर्य के साथ किसी को भी बताओगे, क्योंकि मुझे घोड़ों के रथों का आवाज सुनाई दे रहा है। अरे मुझे यीशु मसीह का दूसरे आगमन का पता चल गया, यीशु मसीह दूसरे बार फिर से आने वाला है, अग्नि वापर झोंका जा रहा है लोग अग्नि में। और हम यहाँ पर अपने संसार में इतने उलझ गए, और जब हम लोगों को देखकर हम रोते हैं, पर हाथ नहीं है हमारे आंसुओं। आज आपके लिए यही है, क्या आपके हाथों में आपके आंसू में हाथ है? समझ में आया? हाथों आंसू में हाथ, समझ में आया आंसू में हाथ है क्या? सबसे पहली चीज कि आपके आंसू टपक रहे हैं, क्या आपको वो दर्द महसूस हो रहा है? और दूसरी बात कि आपके आंसू में हाथ है, मतलब जब आप रोते हो आप इतने आप ये हो जाते हो कि बस मुझे इस चीज के बारे में कुछ करना ही करना होगा, भले मेरा कुछ हो जाए। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए ढूंढ रहा है, क्या आप वो बन जाओगे? फिजूल के आपके आंसू अनमोल है, आपके आंसू क्या है? अनमोल है। मनुष्य पर गर्व मत करो, वो इस लायक नहीं है। आपके रिश्तों पर व्यर्थ मत करो, वो फिजूल खर्चे मत करो आपके आंसू, परमेश्वर के लिए रोते देखते उनके एक 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 नाश होते हुए प्राण को देखो, और उनके लिए इतना मतलब दर्द कि ये कल जाकर जहां पर कोई आशा भी नहीं है नरक में चलेगा, और मैं स्वर्ग में बैठकर देखूंगा उनको, मैं स्वर्ग में बैठकर देखूंगा उनको कि ये तो मेरे बाजू में रहता था, ये तो मेरा दोस्त था, इनको मैं बता सकता था, पर मुझे तो मिल गया स्वर्ग, उनको कौन देगा? क्या वो अपने नजरें उठाकर तुम्हारे पास देखेंगे और बोलेंगे कि हाँ इन्होंने तो बता दिया, मैंने नहीं माना? यरमाया के सब आंसू मिट गए, सब आंसू सूख गए, क्योंकि वो स्वर्ग में गए और परमेश्वर ने कहा यहां पर कोई आंसू नहीं, बैठ जाओ आराम करो, तुमने तुम्हारा काम कर दिया। पर जब हम जाएंगे तो क्या आंसू होने चाहिए? हाँ आंसू होने चाहिए, यदि उसके हाथ है तो होने चाहिए। यदि फिजूल आंसू हो रहे और कुछ कार्य नहीं हो रहा है तो आंसू बहाकर कुछ फायदा नहीं है, आप अपना खुद का तबियत बना लो, उससे अच्छा आनंदित हो। और यदि आपको कुछ दर्द देता है तो आपको पवित्र आत्मा दिया गया है और सामर्थ दिया गया है, राज्य का सामर्थ, रोशनी के राज्य का सामर्थ आपको दिया गया है, तुरंत उस चीज को बदल कर रख सकते हो। आंसुओं के जबान नहीं होते हैं, हाथ होते हैं। बात मत करो उन चीजों के बारे में, जाके कुछ करो उनके बारे में, अगर नहीं कर सकते हो तो बात भी मत करो, परमेश्वर के वचन के बारे में।